हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस MySQL ट्यूटोरियल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू फिल्टर आउट डेटा फ्रॉम अ टेबल, कि जैसे हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करके कैसे हम डेटा फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो हम अभी फ्यूचर कुछ लेक्चर्स में एक टेबल में से डेटा कैसे फिल्टर आउट करते हैं वो पढ़ेंगे। सो हम लोग चलते हैं अपने वर्क बेंच में। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल था एक बुक्स डेटाबेस के अंदर, सॉरी एम्प्लॉयज डेटाबेस के अंदर हमारा बुक्स नाम का एक ऑलरेडी टेबल है। सो यहाँ पर हम लोग इस टेबल में से डेटा फिल्टर आउट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग हमारा क्या रहेगा, सपोज हमें हमारा कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें ऐसे फर्स्ट नेम चाहिए जो कि डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब कि यूनिक है नेम, मतलब जैसे अब लियो यहाँ रिपीट हो रहा है तो वो लियो हमें दो बार नहीं चाहिए, जेम्स रिपीट हो रहा है हमें जेम्स दो बार नहीं चाहिए। सो इस टाइप से हम लोगों को वो डेटा फिल्टर आउट, वो फर्स्ट नेम फिल्टर आउट करनी है जो कि यूनिक है। सो अभी हम लोग यहाँ पर मैं आपको एक क्वेरी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड एक्चुअली क्या करता है, इसके अंदर हमारा कॉलम नेम रहता है, जो भी कॉलम को हम लोगों को डिस्टिंक्टली गेट करना है वो कॉलम नेम रहता है। डिस्टिंक्ट क्या करता है, डिस्टिंक्ट हमें वो सब यूनिक फर्स्ट नेम्स देगा। सपोज यहाँ पर अभी आप एंट्री देख सकते हैं, हमारे टेबल में 9 एंट्रीज है। अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ सो ये हमें वो फर्स्ट नेम्स देगा जो सिर्फ सिंगल टाइम ही यहाँ पर रहेंगे, जो जैसे लियो रिपीट हो रहा है, जेम्स रिपीट हो रहा है, इनका एक ही एंट्री रहेगा हमारे इस टेबल में। सो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेम्स एक ही बार है, लियो एक ही बार है, ये रिपीट हो रहे थे, बट डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करने से उसने हमें डिस्टिंक्ट आउटपुट दिया है। सो ये हमारा यूज रहता है डिस्टिंक्ट का। सो अभी हम लोग डिस्टिंक्ट के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक ऑर्डर बाय, हमारा कीवर्ड रहता है ऑर्डर बाय। सपोज आपके पास कुछ डेटा है टेबल में एंड आपको उसे अरेंज करना है। सपोज ये डेटा है, आप इस ये डेटा भी रैंडमली अरेंज है। सो अभी आप इस डेटा को अरेंज करना चाहते हैं ईयर के अकॉर्डिंग, सपोज कि जो सबसे पहले पब्लिश हुआ है वो टॉप पर रहे एंड जो सबसे लेटली पब्लिश हुआ है वो बॉटम पे रहे। सो उसके लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं ऑर्डर बाय ईयर। सो ऑर्डर बाय क्या करेगा, एक्चुअली ऑर्डर बाय हमारे डेटा को ऑर्डर में कर देगा किसके अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग। एंड दिस ये रहता है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर रहता है, मतलब छोटे से बड़ा। सो असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि जो ईयर सबसे छोटा रहेगा वो टॉप पर आएगा। सो मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल हमारा रीअरेंज हो चुका है एंड टॉप पे जो एंट्री है वो सबसे छोटे ईयर का है, सो 1999, एंड जो सबसे लास्ट एंट्री है वो सबसे लेटेस्ट ईयर का है। अगर हमें सपोज एक ऐसा सिनेरियो मिलता है कि हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक हमारा कीवर्ड रहता है DESC, ये आपके टेबल को एग्जैक्टली रिवर्स कर देगा। मैंने जैसे आपको बताया ऑर्डर बाय में हम लोग जो भी लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय रहता है। सो अगर आप यहाँ पर डिसेंडिंग DESC यूज करेंगे तो ये हमारे टेबल को रिवर्स ऑर्डर में कर देगा कि जो सबसे लेटेस्ट ईयर होगा वो टॉप पे रहेगा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। सो भी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टेबल एग्जैक्टली रिवर्स हो गया पिछली क्वेरी के कंपैरिजन में, 1999 बिल्कुल बॉटम पे आ चुका है एंड 2019 टॉप पर आ चुका है। इसी टाइप से हम लोग ये ऑर्डर बाय में मल्टीपल कॉलम्स भी यूज कर सकते हैं। सपोज अभी आप फर्स्ट नेम से हमने ऑर्डर बाय कर रहे हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम वो कंपेयर करेगा एंड जो उनके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। बट सपोज अगर किसी दो फर्स्ट नेम का हमारे पास सेम फर्स्ट नेम है किसी दो ऑथर का, तो उनके केस में हम लोग उसे उसके लास्ट नेम के अकॉर्डिंग चेक करने जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट अंडरस्कोर नेम
एक दूसरा कॉलम भी डिफाइन कर सकते हैं, लास्ट अंडरस्कोर नेम। सो यहाँ पर अभी आप जेम्स देख सकते हैं। सो यहाँ जेम्स के केस में हमारा दोनों का फर्स्ट नेम सेम है, सो वो फर्स्ट नेम को छोड़ के उसका लास्ट नेम चेक करेगा। कि यहाँ पर अभी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे कि हमारा ये गोल्डन टॉप पे रहना चाहिए था एंड जॉयस उसके बाद में आना चाहिए था, पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर एक लास्ट नेम का भी ऑर्डर बाय लगा देता हूँ तो वो इंच अभी फर्स्ट नेम सेम है तो वो लास्ट नेम को कंपैरिजन करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एंड जो उसे टॉप पे मिलेगा एंड वो उसे टॉप पे रख देगा। सो मैं अभी इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ये हमारे क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और आप देख सकते हैं जेम्स की केस में जिसमें कि फर्स्ट नेम हमारा सेम था वो रीअरेंज हो चुका है, जॉयस नीचे आ गया एंड गोल्डन ऊपर चले गए। सो इस टाइप से हम लोग ऑर्डर बाय का यूज कर सकते हैं विद मल्टीपल कॉलम नेम्स और सिंगल कॉलम नेम एंड वी कैन ऑल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर लेक्चर। थैंक यू।